वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। हाथों में पत्थर, मुंह में अपशब्द और दिमाग में गुस्सा, इतना गुस्सा कि सब कुछ तोड़ने पर आमादा है, वो भी एनसीपी के दफ्तर के बाहर। छोटा बड़ा जो पत्थर हाथ आ रहा है उससे ही हमला किया जा रहा है। लगता है एनसीपी की घड़ी अब उल्टी चल पड़ी है। पार्टी के कार्यकर्ता ही पार्टी ऑफिस पर पत्थर मार रहे हैं। जी हाँ, पवार साहब की पावर को चुनौती देते ये लोग उन्हीं के कार्यकर्ता है। ये गुस्सा सिर्फ इसलिए है क्योंकि उनके चहेते नेता एक वोट से हार गए, मात्र एक वोट, और इस एक वोट की वजह से नेताजी का रुतबा, उनकी पावर, उनकी ताकत सब पर ग्रहण सा लग गया। इसलिए गुस्साए कार्यकर्ताओं ने अपने ही दफ्तर पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। पूरी ताकत के साथ, पूरे बाहुबल का प्रयोग करते हुए गुस्साए इन लोगों को पत्थर फेंकते हुए देख लीजिए। ये एनसीपी के दफ्तर पर पत्थर मारकर अपना गुस्सा शांत करने की कोशिश में लगे हैं। बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक शशिकांत शिंदे सतारा जिला के केंद्रीय सहकारी बैंक का चुनाव एक वोट से हार गए। शशिकांत शिंदे के चुनाव हारने के बाद उनके समर्थक नाराज हो गए। नाराज भी इस कदर कि समर्थकों ने वेस्टर्न महाराष्ट्र के सतारा शहर स्थित एनसीपी कार्यालय पर ही हमला कर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक इस चुनाव में शशिकांत शिंदे को दयान देव रजाणे ने एक वोट से शिकस्त दे दी। इस चुनाव के नतीजे मंगलवार को घोषित किए गए। हार की खीज नेताजी ने तो दिल पर पत्थर लेकर सह लिए, पर उनके समर्थक इस बात को पचा ना पाए, गुस्से में पार्टी ऑफिस ही तोड़ने चले आए, जी भरकर पत्थर फेंके गए। इस घटना पर पुलिस ने भी एक्शन लिया। सतारा पुलिस अधीक्षक अजय कुमार शिंदे ने कहा कि शशिकांत शिंदे के 7 से 8 समर्थकों को हिरासत में लिया गया है। वो एक न्यूज चैनल से बातचीत में शिंदे ने इस घटना को लेकर माफी भी मांगी है। शिंदे ने कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और इसके मुखिया शरद पवार के प्रति वफादार हैं। शिंदे ने कहा, मुझे चुनाव में एक वोट से हार मिली है और इसे स्वीकार किया जाना चाहिए। मेरे लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद पवार और अजीत पवार ही सब कुछ है। मेरी हार के पीछे साजिश थी और आने वाले दिनों में इसका पर्दाफाश किया जाएगा। साथ ही चुनाव के दौरान मैंने ढिलाई बरती जो मुझे महंगी पड़ी। उन्होंने अपने समर्थकों से संयम बरतने की भी अपील की। शिंदे ने कहा, मैं पवार साहब, अजीत पवार, जयंत पवार और सुप्रिया सूले से अपने समर्थकों की ओर से माफी मांगता हूं। वे हार की वजह से भावुक हो गए थे। अब ऐसे में सवाल ये है कि ये माफी डैमेज कंट्रोल के लिए है या वजह कुछ और है, और क्या पार्टी के अंदर इतनी तलखियां बढ़ चुकी है कि दफ्तर के बाहर ही पत्थर फेंके जाने लगे। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज राष्ट्र के नाम।